नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएसआई क्लास में हम अभी सिलॉगिज्म पढ़ रहे हैं, न्याय निगमन। आज न्याय निगमन का पार्ट 3 है। पहले मैं 2 पार्ट आप लोग को पढ़ा दिया हूँ और उस 2 पार्ट में मैंने आपको वेन डायग्राम और उसके बाद 150 रूल भी पढ़ाया और 150 रूल कैसे लगाया जाता है मैं वो भी बताया आपको। आज एक बार फिर से पुनः देख लेते हैं कैसे लगाया जाता है। वेन डायग्राम में क्या होता है? स्टेटमेंट होता है और क्या होता है? कंक्लूजन होता है। स्टेटमेंट होता है और कंक्लूजन होता है। इसमें 2 चीज़ होता है, एक क्या होता है, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। इसमें भी वही चीज़ होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। कोई भी सेंटेंस अगर मिलके बना है तो उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलके बना रहता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सभी ए बी है, तो जो ए है वो सब्जेक्ट है और बी क्या है? प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट यानी विधेय और सब्जेक्ट मतलब विषय। तो देखते हैं, जैसे इसमें संबंध होता है केवल सभी का, कुछ का, कुछ नहीं, कोई नहीं। मैंने आपको बताया था अगर सभी है तो सभी जिसके साथ लगा है वहाँ पे सब्जेक्ट का वैल्यू 100 लेते थे और प्रेडिकेट क्या लेते थे? 50 लेते थे। अगर सेंटेंस क्या हो? पॉजिटिव हो, धनात्मक हो। सेंटेंस ये दोनों क्या है? धनात्मक हैं और ये क्या है? ऋणात्मक है। ऋणात्मक रहेगा तो कोई नहीं, कुछ नहीं दिया रहेगा। इसमें क्या होता है? 50-50 होता है। इसमें क्या होता था? 50 और 100, क्योंकि लास्ट में नहीं लगा रहता है, नेगेटिव में हमेशा प्रेडिकेट। अगर पॉजिटिव होगा तो प्रेडिकेट हमेशा 50 होता है, अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो प्रेडिकेट हमेशा 100 होता है। अगर कोई नहीं दिया है मतलब कि सभी का क्या होता है? वह अपोजिट होता है, सभी का नेगेटिव फॉर्म होता है कोई, और यहाँ पर प्रेडिकेट 100 हो जाएगा। और सेम चीज़ यही में है, सभी के साथ प्रेडिकेट अगर पॉजिटिव रहेगा 50, प्रेडिकेट पॉजिटिव रहेगा 50, निगेटिव रहेगा 100, निगेटिव रहेगा 100। सब्जेक्ट सभी लगा है तो 100, कुछ लगा है 50, कुछ लगा है 50, कोई लगा है 100। हमने आपको ये बताया था और इसमें देख लेते हैं। जैसे कह रहा है कि सभी ए बी है तो ये क्या है? 100 है और ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसी में क्या लगाया जाएगा? ये 50 हो जाएगा। अगर यही कहता कि सब कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, तब क्या हो जाता? कोई लगा है 100, कोई नहीं लगा है 100, दोनों 100-100 होता। अगर कह देता कि कुछ ए बी नहीं है, क्या कह देता? कुछ ए बी नहीं है, तो क्या हो जाता? कुछ लगा है मतलब कि कुछ के साथ, सब्जेक्ट के साथ 50, प्रेडिकेट के साथ 100, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस निगेटिव है। तो निगेटिव में हमेशा प्रेडिकेट जो है वह 100 होता है और पॉजिटिव में हमेशा प्रेडिकेट जो होता है वह 50 होता है। हमेशा प्रेडिकेट क्या होता है? 100 होता है। अगर सब्जेक्ट की हम बात करें तो सब्जेक्ट में अगर सभी है, ऑल है, ऑल मतलब कि पूरा पूरा, तो पूरा पूरा मतलब 100, और उसके बाद पूरा का उल्टा जो होता है कोई नहीं, मतलब कि किसी से कोई मतलब नहीं, तो वो भी अपना अकेले अकेले रहेगा, वो भी क्या हो जाएगा? अपना 100-100 पूरा पूरा वैल्यू देगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे दोस्तों क्वेश्चन पे। कह रहा है कि सभी साइकिल बतख हैं, सभी साइकिल बतख हैं, फिर कह रहा है सभी बतख हंस हैं। और मैंने आपको एक बात और बताया था, सबसे पहले इसमें ध्यान देना है, अगर मेरा स्टेटमेंट, हम स्टेटमेंट और कंक्लूजन की बात कर रहे हैं, अगर मेरा स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट अगर दोनों मेरा पॉजिटिव दिया हो, दोनों मेरा पॉजिटिव दिया हो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव कंक्लूजन निकल के आएगा। अगर स्टेटमेंट मेरा एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव दिया है तो इसका कंक्लूजन भी निगेटिव होगा। यदि स्टेटमेंट एक निगेटिव दूसरा भी निगेटिव, तो इसमें कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाला जाएगा, नो कंक्लूजन। आगे एक बात मैंने आपको और बताया था
कि हम क्या करते हैं, पहले स्टेटमेंट एक और स्टेटमेंट दो को चेक करते हैं कि कोई स्टेटमेंट एक और दो से अलग अलग तो नहीं बना है। अगर अलग अलग बना होगा तो उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद मैंने आपको एक बात और ये भी बताया था कि जो स्टेटमेंट तभी जुड़ेगा, स्टेटमेंट तभी जुड़ेगा जब दोनों में सब्जेक्ट या प्रेडिकेट दोनों सेंटेंस में कोई एक बराबर हो, कोई एक शब्द बराबर हो। जैसे इसमें दिया है कि बतख हैं बतख हैं, तो दोनों में बतख बतख हैं और बतख बतख के साथ साथ किसी एक का वैल्यू, किसी एक का वैल्यू कितना हो, 100 हो, किसी एक का वैल्यू 100 हो, किसी एक का वैल्यू 100 होना चाहिए। तो देखते हैं, कह रहा है कि सभी साइकिल बतख हैं और सभी बतख हंस हैं। कह रहा है सभी साइकिल बतख हैं और सभी बतख क्या हैं, हंस हैं। देख लेते हैं, साइकिल की वैल्यू जो है कितनी है, 100 है। अब बतख क्या हो जाएगा, सभी साइकिल बतख हैं, सेंटेंस पॉजिटिव है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, प्रेडिकेट की वैल्यू 50 लेंगे। कह रहा है सभी बतख हंस हैं, तो बतख यहाँ पे 100 हो गया, हंस कितना हो गया, 50। अगर अब साइकिल और हंस में संबंध पूछेगा तो वह संबंध निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बतख और बतख कामन है और एक बतख की वैल्यू 100 है। दोनों आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, बतख बतख दोनों आपस में कट जाएंगे। देखते हैं, कह रहा है कि सभी हंस साइकिल हैं। कह रहा है सभी हंस साइकिल है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। और कह रहा है सभी हंस साइकिल हैं, यहाँ पे हंस का वैल्यू 50, यहाँ पे साइकिल, यहाँ पे हंस का वैल्यू 100 और साइकिल का वैल्यू 50। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक बताया था कि जो स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट वह आपका आय होता है और जो कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन जो होता है वह आपका व्यय होता है। 50 रुपये कमाने वाला, मतलब कि अगर स्टेटमेंट में 50 दिया है तो उसको हम 100 में नहीं बदल सकते, लेकिन अगर स्टेटमेंट में अगर 100 दिया है तो कंक्लूजन में उसको हम 50 में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कंक्लूजन मेरा व्यय है। और 50 रुपये कमाने वाला व्यक्ति कभी 100 रुपये खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि वह हमेशा घाटे में चला जाएगा। तो देखते हैं, कह रहा है कि सभी साइकिल बतख हैं, सभी बतख हंस हैं, हंस की वैल्यू यहाँ पे 50 है, लेकिन यहाँ पे हंस की वैल्यू 100 है, यहाँ पे हंस की वैल्यू 100 है, इसीलिए यह कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत। अब कह रहा है कुछ हंस साइकिल हैं, कुछ हंस साइकिल हैं, मतलब हंस की वैल्यू 50 और यहाँ पे देख लेते हैं कुछ का मतलब 50 और 50, क्योंकि यह सेंटेंस पॉजिटिव है, कंक्लूजन पॉजिटिव है और कुछ के साथ सब्जेक्ट लगा है, तो सब्जेक्ट 50 हो गया और प्रेडिकेट ऑलरेडी 50 होगा, क्योंकि सब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है। तो यहाँ कह रहा है कि 50-50 दोनों मतलब कि आपस में जुड़ जाएंगे। 50 रुपये हंस कमाने वाला 50 रुपये खर्च कर सकता है और साइकिल 100 रुपये कमाने वाला 50 रुपये खर्च कर सकता है, इसीलिए सेंटेंस सही है। तो क्या हो जाएगा, केवल 2 सही, केवल 2 सही। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे कह रहा है कि सभी हाथी पुरुष हैं, सभी हाथी पुरुष हैं। आप तो अब अच्छे से इसको समझ गए होंगे, आप इसका आंसर अपने से भी दे सकते हैं। कह रहा है कि सभी हाथी पुरुष हैं, मतलब सेंटेंस 100 है। अब पुरुष क्या हो जाएगा, 50, क्योंकि पॉजिटिव है। सभी पुरुष 100 और क्या हो जाएगा, जुराबें 50। दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों में पुरुष पुरुष कामन है और एक पुरुष की वैल्यू 100 दिया है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। अगर हाथी और जुराब में संबंध पूछेगा तो हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों सेंटेंस जुड़ जा रहे हैं। चलते हैं, कह रहा है कुछ जुराबे हाथी हैं, कुछ जुराबे मतलब कि 50 और 50, कुछ जुराबे हाथी हैं, एकदम बिल्कुल सही बोल रहा है। जुराबे 50 है और हाथी भी 50 रुपये खर्च कर सकता है, क्योंकि हाथी 100 रुपये कमा रहा है। कह रहा है सभी हाथी जुराबे हैं, सभी हाथी, हाथी की वैल्यू 100 और जुराब की वैल्यू 50, 100 रुपये हाथी कमा रहा है, 100 रुपये खर्च कर सकता है, मतलब दोनों क्या है, सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है। आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहा है, कह रहा है सभी पुस्तकें रबर हैं,
सभी पुस्तकें रबर हैं, मतलब पुस्तक की वैल्यू 100, रबर की वैल्यू 50। सेंटेंस पॉजिटिव है, प्रेडिकेट 50 करेक्ट। सभी शॉर्पनर, यहाँ शॉर्पनर है, शार्पनर लिखा गया है, 100 और 50 दोनों में पुस्तक कॉमन है। एक पुस्तक की वैल्यू 100 है, मतलब दोनों आपस में जुड़ सकते हैं, दोनों आपस में कर सकते हैं, मतलब कि रबर और शार्पनर में संबंध निकाला जा सकता है। तो कह रहा है सभी शार्पनर रबर हैं, तो यहाँ पे 100 और यहाँ पे 50, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 50, मतलब निष्कर्ष एक निकाला जा सकता है, क्योंकि शार्पनर की वैल्यू 100 है और रबर की वैल्यू 50 है, दोनों निकल सकता है। फिर कह रहा है कि कुछ पुस्तक, यहाँ पे पुस्तकें पुस्तकें ऐड हो गई हैं, कह रहा है कुछ पुस्तक शार्पनर है। तो देखिए यहाँ पे कुछ पुस्तक शार्पनर की बात कर रहा है, तो ये केवल स्टेटमेंट 2 से निकल सकता है। स्टेटमेंट 2 में पुस्तक और शार्पनर है, कुछ पुस्तक शार्पनर है, मतलब शार्पनर की वैल्यू 100, पुस्तक की वैल्यू 50, दोनों पे अगर हम देखें 50-50, मतलब कि दोनों निकल सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी शार्पनर रबर हैं, ये भी निकल गया, और क्या निकल गया, कुछ पुस्तकें शार्पनर हैं, कुछ पुस्तकें शार्पनर हैं, पुस्तक और शार्पनर दोनों निकल गया, दोनों निकल रहा है। यहाँ पे दोनों सही, बोध सही होना चाहिए, दोनों निष्कर्ष सही है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है, कुछ अध्यापक छात्र हैं, कुछ अध्यापक छात्र हैं, मतलब कि अध्यापक की वैल्यू 50, छात्र की वैल्यू 50। फिर कह रहा है कि सभी छात्र लड़कियां हैं, सभी की वैल्यू 50, लड़कियों की वैल्यू 50। छात्र और छात्र आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक की वैल्यू 100 दिया है और एक की वैल्यू 50 दिया है, दोनों में कॉमन एक छात्र दिया है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट जुड़ जाएंगे आपस में। फिर कह रहा है कथन कंक्लूजन देखते हैं, सभी अध्यापक लड़कियां हैं, सभी अध्यापक लड़कियां हैं, नहीं, यहां पे अध्यापक की वैल्यू 100 हो जा रही है, लेकिन यहां पे अध्यापक केवल 50 ही है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, गलत। फिर कह रहा है कि कुछ लड़कियां अध्यापक हैं, कुछ लड़कियां, लड़की की वैल्यू 50, अध्यापक की वैल्यू 50, दोनों में 50-50 सही है। फिर कह रहा है कुछ लड़कियां छात्र हैं, कुछ लड़कियां छात्र हैं, मतलब केवल स्टेटमेंट 2 से यह निकाला जा सकता है, स्टेटमेंट 2 से, क्योंकि छात्र और लड़की स्टेटमेंट 2 में दे रखा है, तो निकाला जा सकता है कुछ लड़कियाँ छात्र हैं, तो कुछ लड़कियाँ छात्र हैं, मतलब लड़की 50 और छात्र 50, दोनों स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। फिर कह रहा है सभी छात्र अध्यापक है, सभी छात्र अध्यापक, यह तो केवल स्टेटमेंट 1 से हो सकता है, लेकिन रह गई बात, यहाँ पे छात्र की वैल्यू 100, अध्यापक की वैल्यू 50, लेकिन यहाँ पे छात्र की वैल्यू 50 ही दिया है, इसलिए यह क्या है, गलत है। आप दूसरे स्टेटमेंट में मत जाइएगा, क्योंकि दूसरे स्टेटमेंट में दोनों स्टेटमेंट मिल के नहीं, बल्कि छात्र और अध्यापक स्टेटमेंट फर्स्ट से ही निकाला जाएगा, क्योंकि छात्र और अध्यापक के बीच में वही सही संबंध दर्शाएगा, इसीलिए यह स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो केवल 2 और 3 सही, केवल 2 और 3 सही। आगे चलते हैं, अगर आए कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक हैं, कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य 50, शिक्षक 50। फिर कह रहा है सभी शिक्षक छात्र हैं, 100 और 50। शिक्षक कॉमन है, एक शिक्षक की वैल्यू 100 है और दूसरे शिक्षक की वैल्यू 50 है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, कम से कम एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था, मतलब प्रधानाचार्य और छात्र में हम संबंध निकाल सकते हैं। तो क्या कर रहा है, सभी प्रधानाचार्य छात्र हैं, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रधानाचार्य 50 है और यहाँ पर 100 आ गया, इसीलिए यह गलत। कुछ छात्र प्रधानाचार्य हैं, प्रधानाचार्य 50, छात्र 50, कुछ दिया है पॉजिटिव सेंटेंस, 50-50 दोनों सही है, तो क्या केवल निष्कर्ष 2 सही। आगे चलते हैं, आए क्वेश्चन में क्या है, कुछ प्रबंधक युवा हैं, कुछ प्रबंधक, मतलब प्रबंधक की वैल्यू 50, युवा की वैल्यू 50, और कहला सभी लड़के युवा हैं, सभी लड़के, लड़का 100, युवा 50, इसमें युवा युवा कॉमन है, लेकिन किसी एक की वैल्यू 100 ना दे के दोनों की वैल्यू 50 दे रखी है, इसीलिए कभी प्रबंधक और लड़के में नहीं निकल सकता निष्कर्ष, कभी प्रबंधक और लड़के में दोनों स्टेटमेंट हम आपस में जोड़ नहीं सकते। लेकिन हमको एक चीज़ और चेक करना है कि क्या एक ही स्टेटमेंट से तो यह कंक्लूजन नहीं निकाला गया है, देख चेक कर लेते हैं। कह रहा है कुछ लड़के प्रबंधक हैं, यह तो नहीं निकाला जा सकता,
यह नहीं निकाला जा सकता क्योंकि लड़के प्रबंधक आपस में कभी नहीं जुड़ सकते। कह रहा है कि कुछ प्रबंधक लड़के हैं, कुछ लड़के प्रबंधक ये भी नहीं हो सकता क्योंकि लड़के और प्रबंधक आपस में नहीं जुड़ते, क्योंकि यह दोनों स्टेटमेंट आपस में नहीं जुड़ेंगे। युवा तो काम मन मिल गया लेकिन दोनों की वैल्यू 50 है, लेकिन मैंने आपको बताया किसी एक की वैल्यू 100 होना अनिवार्य है। अगर 100 नहीं होगा तो दोनों स्टेटमेंट कभी आपस में नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों क्या हो जाएगा, न तो निष्कर्ष एक सही, यहाँ पर न तो निष्कर्ष एक सही और न ही निष्कर्ष दो सही, न तो निष्कर्ष एक सही और न ही निष्कर्ष दो सही। आगे चलते हैं। कह रहा है कुछ कलम पेंसिल है, कुछ कलम पेंसिल है, कलम की वैल्यू 50, पेंसिल की वैल्यू 50। कह रहा है सभी पेंसिल, पेंसिल की वैल्यू 100, रबर की वैल्यू 50। पेंसिल पेंसिल कॉमन है, एक की वैल्यू 100 है, दोनों आपस में स्टेटमेंट जुड़ सकते हैं, कलम और रबर में संबंध बन सकता है। तो कह रहा है कुछ कलम रबर हैं 50-50, कुछ कलम रबर हैं 50-50, दोनों आपस में जुड़ गए। सबसे पहले यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस तो हो ही नहीं सकता, निगेटिव चेक करिए, जो निगेटिव उसको तुरंत काट दीजिए। फिर कह रहा है कुछ रबर पेंसिल हैं, कुछ रबर पेंसिल हैं, कुछ रबर पेंसिल हैं। देख लेते हैं रबर और पेंसिल में, यहाँ पे स्टेटमेंट दो से ही निकाला जा सकता है, स्टेटमेंट दो से ही निकाला जा सकता है। अगर इसमें ऑप्शन या का दिया रहता, अगर इसमें ऑप्शन या का दिया रहता तब मेरा यह वाला जो है स्टेटमेंट दो सही होता, एक या दो सही हो जाता। चलते हैं देखते हैं। करा है कुछ रबर, चेक कर लेते हैं। करा है कि कुछ रबर पेंसिल है, तो यहाँ पे रबर की वैल्यू 50, पेंसिल की वैल्यू 100, मतलब कि दोनों सही हैं। तो स्टेटमेंट कौन सा, 1 और 3 सही, केवल स्टेटमेंट, केवल निष्कर्ष 1 और 3 सही। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया, कुछ अध्यापक अनुयायी हैं, कुछ अध्यापक अनुयायी हैं 50 और 50। कह रहा है कुछ अनुयायी प्रसिद्ध हैं 50 और 50। अध्यापक अनुयायी तो कॉमन है लेकिन दोनों की वैल्यू 50 है, दोनों स्टेटमेंट कभी नहीं जुड़ सकता, दोनों स्टेटमेंट को हम जोड़ नहीं सकते, दोनों स्टेटमेंट जुड़ नहीं सकता। अनुयायी कॉमन है लेकिन दोनों की वैल्यू 50 है, मतलब अध्यापक और प्रसिद्ध में कोई वैल्यू, कोई स्टेटमेंट नहीं निकलेगा, गलत। कह रहा है कुछ अनुयायी अध्यापक हैं, अनुयायी और अध्यापक ये भी गलत है, कुछ अनुयायी और अध्यापक यहाँ पे है, स्टेटमेंट एक से निकाला जा सकता है, यह स्टेटमेंट एक से निकाला जा सकता है और सेंटेंस पॉजिटिव है, अनुयायी 50, अध्यापक 50, मतलब यह सही है, केवल निष्कर्ष 2 सही। आगे चलते हैं। आगे दिया है सभी स्टील लोहा है, सभी स्टील जो है वो क्या है, लोहा है, स्टील की वैल्यू 100, लोहा की वैल्यू 50, सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए 50, और यह सेंटेंस निगेटिव है, कोई लोहा 100, सेंटेंस निगेटिव 100। कह रहा है कि भैया ये जो लेहा लिखा है यहाँ पर होगा लोहा, ये लोहा 50 और 100, लोहा लोहा कॉमन है लेकिन एक की वैल्यू 100 है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब स्टील और ठोस को हम क्या करेंगे, संबंध बना सकते हैं, लेकिन बरसते इसका कंक्लूजन क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि अगर दोनों स्टेटमेंट से जुड़ के अगर कोई कंक्लूजन देगा तो वह निगेटिव देगा, क्योंकि सेंटेंस एक निगेटिव है। तो कह रहा है कोई स्टील ठोस नहीं है, स्टील और ठोस में स्टील की वैल्यू 100, ठोस की वैल्यू 100, इसमें भी स्टील की वैल्यू 100, ठोस की वैल्यू 100, सेंटेंस निगेटिव मतलब सही। आगे चलते हैं। कुछ लोहा स्टील है, कुछ लोहा स्टील है, लोहा और स्टील दोनों स्टेटमेंट एक से बन रहा है, स्टेटमेंट एक से बन रहा है, कुछ लोहा स्टील है, मतलब 50 और 50, मतलब दोनों सही होगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष फॉलो करेगा। आगे चलते हैं। यह क्यों सही हुआ, क्योंकि जो कुछ लोहा स्टील है, कुछ लोहा स्टील स्टेटमेंट एक से ही निकल रहा है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, सही करेंगे, क्योंकि यह सेंटेंस पॉजिटिव है और तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन अगर दोनों स्टेटमेंट को जोड़ के बनेगा तो वह निष्कर्ष निगेटिव आना चाहिए, क्योंकि इसमें एक स्टेटमेंट क्या है, निगेटिव है। आगे चलते हैं।
चलते हैं, सभी मछलियाँ कछुए हैं, सभी मछलियाँ कछुए हैं, मछली की वैल्यू 100, कछुआ की वैल्यू 50, और सेंटेंस क्या है, यह सेंटेंस है पॉजिटिव। कह रहा है कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है, कोई 100 मगरमच्छ नहीं है, 100 कछुआ कछुआ दोनों कॉमन है और एक की वैल्यू 100 है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों सेंटेंस आपस में जुड़ जाएंगे, और उसके बाद दोनों का क्या आएगा, अगर कंबाइंड निकालेंगे तो मेरा जो कंक्लूज़न है वह निगेटिव आना चाहिए, तो इसमें भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि कोई मगरमच्छ मछली नहीं है, कोई मगरमच्छ मछली, मगरमच्छ 100 और मछली भी 100, मगरमच्छ भी 100 मछली भी 100 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, सही कह रहा है, कोई मगरमच्छ मछली नहीं है। फिर कह रहा है कोई मछली मगरमच्छ नहीं है, कोई मछली मगरमच्छ नहीं है, मछली 100 मगरमच्छ 100 दोनों क्या आ जाएगा, सही, बोथ सही, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है सभी बकरियाँ भैंसे हैं, सभी बकरियां भैंसे हैं, बकरी की वैल्यू 100, भैंस की वैल्यू 50, क्योंकि प्रेडिकेट इसका 50 होगा क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव दिया है। करा कोई भी मतलब 100 नहीं है, 100 क्योंकि स्टेटमेंट निगेटिव दिया है इसलिए प्रेडिकेट 100 होगा। फिर कह रहा है दोनों आपस में जुड़ सकता है क्योंकि एक भैंस की वैल्यू 100 और दूसरे भैंस की वैल्यू 50, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, कोई एक स्टेटमेंट में किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए और दोनों कॉमन होना चाहिए, दोनों आराम से जुड़ सकता है। कह रहा है कि कोई भी बकरी बंदर नहीं है, स्टेटमेंट निगेटिव है, कोई भी बकरी बंदर नहीं है, 100-100 दिया है मतलब कि सही है, बकरी की वैल्यू 100, बंदर की वैल्यू 100। फिर कह रहा है कोई भी बंदर बकरी नहीं है, 100 और 100 ये भी निकल के आएगा, दोनों निष्कर्ष सही। आगे चलते हैं। कह रहा है कुछ घाघरे बेंच हैं, मतलब कि 50 और 50 सेंटेंस पॉजिटिव। फिर कह रहा है कोई भी बेंच 100 और 100 मेज नहीं है, 100-100 सेंटेंस पॉजिटिव है, एक सेंटेंस निगेटिव है, दोनों बेंच बेंच कॉमन हो रहा है और बेंच की वैल्यू 1 की 100 है, दोनों आपस में जुड़ जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ घाघरे बेंचे हैं, घाघरा और बेंच, घाघरे की वैल्यू 50, बेंच की वैल्यू 50, लेकिन अगर दोनों से मिलेगा तो यह सेंटेंस निगेटिव देना चाहिए, क्योंकि दोनों तभी, घाघरा और बेंच तभी मिलेगा जब सेंटेंस निगेटिव हो गया, अन्यथा वह गलत हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट भी मेरा निगेटिव दिया है। कह रहा है कुछ बेंचे घाघरे हैं, कुछ बेंचे घाघरे हैं, यह केवल स्टेटमेंट 1 से निकाला जा सकता है, स्टेटमेंट 1 से निकाला जा सकता है और स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कह रहा है कुछ घाघरे बेंचे हैं, घाघरे और बेंचे, लेकिन इसमें देखिए क्या है, सेम टू, कुछ बेंचे घाघरे हैं, कुछ बेंचे घाघरे हैं, जुड़ जाएगा दोनों आपस में, आपस में जुड़ रहा है, दोनों की वैल्यू 50-50, बेंच यहाँ है, घाघरा यहाँ है, मतलब दोनों है, क्या होगा, सही। फिर कह रहे हैं सभी बेंचे घाघरे हैं, सभी बेंचे, यहाँ पे 100 आ गया, यहाँ पे 50 आ गया, बेंच 50 रुपये कमा रहा है, गलत हो जाएगा। कह रहा है कुछ मेजे घाघरे हैं, कुछ मेजे घाघरे हैं, क्यों, यह गलत होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ मेजे घाघरे नहीं है, होता तब वह सही हो जाता, तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट केवल 2 सही, केवल 2 निकलता है, बकिया तीनों क्या होंगे, नहीं निकलेंगे। आगे चलते हैं। अब हम लोग स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट की तरफ पहुंच गए हैं, अब तीनों स्टेटमेंट को हम कैसे जोड़ेंगे, तीनों स्टेटमेंट कैसे जुड़ता है, उसको हम पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन में आगे की तरफ बढ़ते हैं। नियम तो वही है स्टेटमेंट जोड़ने का, कि कोई 2 स्टेटमेंट उठाएंगे और देखेंगे उसमें जो कॉमन होगा, किसी एक की वैल्यू 100 हो और दोनों कॉमन हो, अगर निगेटिव होगा तो निगेटिव, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव सेंटेंस देगा। इसमें 3 क्या होगा, इसमें बनता है चैन रूल, पहले 1 और 2 को 2 और 3 को जोड़ेंगे, या तो 2 और 3, 3 और 1 को जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ते चले, या तो 1 और 3 जोड़ेंगे फिर 3 और 2 जोड़ेंगे, इसमें चैन रूल बनता चला जाता है। कहीं पे अगर चैन टूटता है, कहीं पे चैन टूटेगा तो उसको हम जोड़ नहीं सकते, उसको हम जोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो आगे चलते हैं। कह रहा है कुछ पपीते अमरूद हैं, पपीते की वैल्यू 50, अमरूद की वैल्यू 50। कह रहा है कुछ अमरूद गाजर हैं, कुछ अमरूद गाजर हैं, 50 और 50 पॉजिटिव पॉजिटिव। कह रहा है कुछ गाजरें आम हैं, 50 और
50, इसमें कोई भी तीनों स्टेटमेंट नहीं जुड़ सकता। यहाँ पे गाजर गाजर तो है लेकिन दोनों के अमरूद अमरूद तो है लेकिन दोनों की वैल्यू 50 है इसलिए वह जुड़ नहीं सकता। यहाँ गाजर गाजर तो मिल रहा है लेकिन दोनों की वैल्यू 50 है इसलिए वह जुड़ नहीं सकता। आगे चलते हैं, कह रहा है कुछ आम पपीते हैं, आम पपीता तभी आपस में बनाएगा संबंध जबकि दोनों सभी तीनों रूल आपस में जुड़े हों, इसलिए यह क्या हो जाएगा, जुड़ नहीं सकता, यह गलत कह रहा है। गाजर और पपीता में कोई संबंध नहीं बन सकता और आम और पपीता में कोई संबंध नहीं बन सकता, आम और अमरूद में कोई संबंध नहीं बन सकता। आगे चलते हैं, कुछ गाजरें पपीते हैं, गाजर और पपीता में कोई संबंध नहीं बन सकता क्योंकि स्टेटमेंट नहीं जुड़ेगा क्योंकि वैल्यू 50-50 दिया है, तो इसीलिए यह स्टेटमेंट जोड़ना असंभव है, यह स्टेटमेंट जोड़ना क्या है, असंभव है, नहीं जुड़ सकता। आगे चलते हैं, कोई पपीता आम नहीं है, ये तो निगेटिव है, ऑलरेडी कट जाएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि इसका पॉजिटिव आना चाहिए, सभी सेंटेंस पॉजिटिव हैं, तो क्या कर रहा है, कोई अनुसरण नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही। आगे चलते हैं, सभी बोतलें गिलास हैं, सभी बोतलें, बोतल की वैल्यू 100, गिलास की वैल्यू 50, फिर कह रहा है सभी ड्रम बोतलें हैं, सभी ड्रम 100, बोतलें 50, फिर कह रहा है सभी कप बोतलें हैं, सभी कप बोतलें हैं, कप 100 और बोतलें 50, कप 100 और बोतलें 50। इसमें देखिए बोतल की वैल्यू 100, बोतल की वैल्यू 50, यहाँ पे दोनों आपस में जुड़ सकता है क्योंकि दोनों सेंटेंस में क्या है, एक कॉमन है और सभी का सभी क्या है, पॉजिटिव है। कह रहा है अब देखिए ड्रम बोतलें बोतलें यहाँ पे हैं लेकिन दोनों बोतलों का वैल्यू 50 है लेकिन यहाँ से एक और तीन से भी वह जुड़ सकता है, एक और दो भी क्या क्या जुड़ेगा, एक और दो, एक और तीन, एक और तीन, दो और तीन नहीं जुड़ेगा, दो और तीन नहीं जुड़ेगा, केवल जुड़ेगा एक और दो, एक और तीन, एक और तीन और एक और दो से कोई भी सेंटेंस निकलेगा, तो मतलब गिलास और ड्रम का अगर संबंध पूछे तो बन सकता है, अब गिलास और बोतल का संबंध पूछे तो बन सकता है, गिलास और कप का संबंध पूछे तो यहाँ पर क्या क्या बन सकता है, अगर गिलास और ड्रम का संबंध पूछे तो कंक्लूजन निकल सकता है, और यहाँ पे क्या गिलास और कप का संबंध पूछे तो निकल सकता है लेकिन ड्रम और कप का संबंध पूछे तो नहीं निकल सकता, ड्रम और कप का संबंध पूछे तो नहीं निकल सकता, कंक्लूजन नहीं निकलेगा क्योंकि दोनों में तो बोतल बोतल है लेकिन दोनों की वैल्यू 50 है, दोनों आपस में जुड़ नहीं सकते। चलते हैं, कुछ गिलास कप हैं, कह रहा है कुछ गिलास कप हैं, एक और तीन से कुछ गिलास कप हैं बन सकता है क्योंकि यहाँ पे एक में बोतल, दो और तीसरे में भी बोतल, दोनों बोतल बोतल कॉमन है, एक की वैल्यू 100 है और एक की वैल्यू 50 है, तो कुछ गिलास कप हैं, कुछ गिलास कप हैं, दोनों बन सकता है। कह रहा है सभी ड्रम गिलास हैं, सभी ड्रम गिलास हैं, सभी ड्रम की वैल्यू 100, गिलास की वैल्यू 50, दोनों आपस में जुड़ भी सकता है क्योंकि बोतल बोतल कॉमन है और एक बोतल की वैल्यू 100 है और दूसरे की वैल्यू 50 है, इसलिए यह दोनों आपस में जुड़ सकता है। फिर कह रहा है कुछ बोतलें ड्रम हैं, कुछ बोतलें ड्रम हैं, बोतलें और ड्रम दोनों में एक कॉमन है, यह मतलब केवल स्टेटमेंट दो से निकाला जा सकता है, कुछ बोतलें ड्रम हैं, मतलब तीनों अनुसरण कर रहा है, कह रहा है कोई अनुसरण नहीं कर रहा है, केवल एक और दो अनुसरण कर रहा है, केवल दो और तीन अनुसरण कर रहा है, केवल एक और तीन अनुसरण कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो तीनों अनुसरण कर रहा है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों सही हो जाएगा, तीनों सही, तीनों सेंटेंस क्या करेंगे, फॉलो, तीनों स्टेटमेंट फॉलो करेंगे। आगे चलते हैं, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने से चैनल को सब्सक्राइब करते समय आप बेल आइकन का कोने में जो बटन दिया रहता है उसको दबा दें, क्योंकि दबाने से आपको नोटिफिकेशन बार बार मिलता रहेगा। और आप क्या करेंगे, आप नोटिफिकेशन पाएंगे तो आप वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो, और लॉकडाउन में इसी का आनंद लें और अपना तैयारी करते रहें। ये ना देखें कि लॉकडाउन है तो हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन खुलते ही वह कभी भी एग्ज़ाम करा सकता है। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।